बजट 2024 और 25 में कारखानों पर 46 लाख रुपए फी कारखाना वापटा के फिक्स करने और खाली बनौला पर भी 10% टैक्स लगाने के खिलाफ सांगड़ के तमाम कार्टन फैक्ट्रियां बंद, हड़ताल जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं न्यूज बॉक्स के नुमाइंदा इशफाक सुलेरी से। सांगड़ में हर साल की तरह इस साल भी 5 लाख हेक्टर पर कपास की काश्त की गई है और गुज़श्ता सीजन के अंदर सांगड़ के अंदर अगर बात कर ली जाए और पूरे पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो कार्टून की जो बेल्ट थी उसकी यहां पर पैदावार हुई थी। सांगड़ के अंदर 90 से ज़्यादा कार्टून फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं और जिस वक्त सबसे ज़्यादा जो शेयर था 1 करोड़ बेल्ट के अंदर उसमें सांगड़ का जो शेयर था वो सबसे ज़्यादा था। इस वक्त सांगड़ के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा कार्टून फैक्ट्रियाँ जो है इस वक्त चल रही हैं, लेकिन उन्होंने इस जो 2024-2025 का जो बजट जो पेश किया गया जिसके अंदर टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए गए हैं जिसके बिना पर तमाम कार्टून फैक्ट्रियों ने इस वक्त सीजन जो ऑफ कर दिया है और गेट पर ताले लगाने के साथ साथ वहाँ पर हड़ताल जो है उसको कर दिया। उनका मतालबा है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो नया जो टैक्सेस लगाए हैं उसके अंदर फिक्स टैक्स जो है 400% जो है ना वो फिक्स कर दिया गया है। वापा के अंदर सेल टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया और बनौला और खाली के अंदर जो टैक्सेस हैं वो 400% ज़्यादा कर देंगे। इनका कहना है कि ये जो बनौला के अंदर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसका जो नुकसान जो होगा खुद ही तेल के पे होगा और आम इंसान पे उसका जो उसका टैक्सेस लगेगा और खाद पे जो खली पे जो टैक्स लगाया उसका डेयरी फार्मर्स पे ज़्यादा उसका असर अंदाज होगा और आने वाले दिनों के अंदर दूध के रेट में इजाफा होगा और इसी तरह से जो दीगर जो टैक्स लगाए उसका किसान पे टैक्सेस लगेंगे। मतलबा है कि इस वक्त फौरी तौर पर जो है सेल टैक्स और दीगर टैक्सेस हैं उसको छूट दी जाए और 400% टैक्स लगाने से ये है कि कार्टून फैक्ट्री के जो मालकान के साथ साथ किसान और डेयरी मिल्क फार्म चलाने वाले और खुदनी तेल जो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं और जो उसको खरीद और फरोख्त करने वाले जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसका असरअंदाज होगा जिसके बिना पर तमाम कार्टून फैक्ट्रियों के अंदर एहतजाजन जो है वो उन्होंने शटर डाउन कर दिया गया है और हड़ताल जो है वो शुरू कर दी गई है। तमाम जो कार्टून फैक्ट्रियाँ जो जो उन्हें चलना था जो जहाँ चल रही थी वो तमाम की तमाम बंद हो गई हैं और उनका एहतजाज जो है उनका मतलब है कि जब तक ये सेल टैक्स और दीगर टैक्सेज हैं उन पर जो कमी नहीं की जाएगी उनको फ्री नहीं किया जाएगा तो उनका जो कार्टून फैक्ट्रियाँ जो है वो ऑन नहीं होंगी, चलेंगे नहीं और जिसके बिना पर जो नुकसान जो है आम जिम्मेदार को, किसान को, डेयरी फार्म को और डेयरी फार्म के साथ साथ दूध खरीदने वालों को और खुद ही तेल खरीदने वाले जो आम जो शहरी है उस पर इसका टैक्स का जो है वो उसका जो उस पर लगेगा और उसको जो ज़्यादा नुकसान जो है आम जो बंदा जो जो आम शहरी है उसको पर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस का नुकसान होगा। जी।